राजस्व एवं नगर परिषद की संयुक्त कार्यवाही के दौरान राजपुर नगर में अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं दुकान के बाहर रोड पर सामान जो रखा था उसको भी जब्त किया गया है। यह कार्यवाही में जब चली है तो उसके बाद चालानी कार्यवाही हुई है, करीब 36,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। इस दौरान दो व्यावसायिक दुकानों से 4 घरेलू सिलेंडरों को भी जब्त किया गया है। मंगलवार की शाम हुई इस कार्यवाही में SDM राजपुर वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी तहसीलदार श्री घनश्याम की अगुवाई में यहां राजस्व और परिषद की टीम पहुंची है, जिसने संयुक्त कार्यवाही की है। दुकानों को उसके पहले नोटिस भी जारी किया गया था कि अवैध अतिक्रमण को हटा लें, जिसके बाद जब जिन्होंने नहीं हटाया तो उनके अतिक्रमण को या तो वहाँ से तोड़ दिया गया है और कुछ सामानों की जब्ती भी की गई है।